हाय एवरीवन, आज हम लोग हुनर मुस्कानका में क्रिस्पी सेजवान पोटैटो वेजेस बनाएंगे। एक कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लोर, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। हमारा गोल तैयार हो गया है। आलू के स्ट्रिप्स काट के उसको मैंने हल्का सा ब्लांच किया, मतलब थोड़ा सा बॉईल किया, क्योंकि आगे हम लोगों को उसको फ्राई भी करना है। उसमें हम लोग दो चम्मच कॉर्नफ्लोर, और दो चम्मच मैदा डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से भी कोट हो चुका है, इसे हम लोग 15 मिनट रखेंगे। जो पेस्ट हमने बनाया है उसमें अब ये आलू डाल देंगे और उसे करीबन आधे से पौना घंटा रख देंगे, जैसे एक एक आलू को अच्छे से कोट हो जाए। अब एक एक करके वेजेस को फ्राई करेंगे। सिम पे करना है, क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं, हम लोग निकाल लेंगे और फ्राई करेंगे आलू। ऐसे पैन में तेल लेंगे, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे दो चम्मच। अब इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम लोग कांदा डालेंगे। अब इसमें डालेंगे एक कप पानी, आधा कप टमाटो सॉस, रेड चिल्ली सॉस, सोया सॉस, नमक, लाल मिर्च, एक चम्मच सेजवान सॉस, आधा चम्मच शक्कर। इसको अच्छे से उबालेंगे। मैं कॉर्नफ्लोर और पानी का गोल बनाया है, वो अब डालेंगे उसमें। उबाल आ चुका है, अभी कॉर्नफ्लोर का गोल डालेंगे इसमें, जैसे हमारी ग्रेवी थिक हो जाए। अब इसमें फ्राई किए हुए आलू डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें धनिया डालेंगे। क्रिस्पी सेजवान पोटैटो वेजेस तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।